अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। अब आप सब अपने उर्दू की बुक और नोटबुक ओपन करें, ठीक है। उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 15 ओपन करें। आज हम पढ़ेंगे बे पे ते ते से, ठीक है। हम लोगों ने ये पीछे पढ़ा था, मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करवा देती हूँ। इसकी सुतियात आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। बेबा बंदर, पेपा पेंसिल, तेता तितली, टेटा ट्रक, सेसा समर। आप लोगों ने यहाँ पे इसकी मश्क करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएं, रंग भरिए और नुक्ते लगाइए। ये क्या है? बत्तख, बत्तख, बे ब बत्तख। कितने होते हैं बे के नुक्ते? एक। उन्होंने कितने लगाए हैं? एक। पे प पतंग, पे के कितने नुक्ते होते हैं? या आप लोग ऊपर पढ़ चुके होंगे तो यहाँ आप लोगों को सारा ये आप लोगों को लिखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब आप ज़रा अपना अगला सफ़ा ओपन करें। ये है लाल, आपको लाल रंग बताया जा रहा है। क्या है? लाल। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है? दायरा बनाना है। जो लाल तस्वीर है उसके गिर्द दायरा बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट सफ़ा है, दायरा बनाइए, रंग भरिए। ये क्या है? बंदर, ब बंदर है तो उन्होंने ब को सर्कल कर दिया है। पत्ता, पत्ता क्या है? प पत्ता, तो प को सर्कल कर देंगे। इस तरह से आप लोगों ने ये वाला पेज भी करना है जी। अब इसके बाद आप लोगों ने पीछे पढ़ लिया है, सो आप लोगों ने, आप लोगों को पता होगा ही कौन कौन सी तस्वीर है और उसका हर पहला हर्फ क्या है, आप लोगों ने वो लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने करना है कि ये हर्फ पढ़ना है, ठीक है, और उसके साथ उसको मिला देना है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? अम्मी, अम्मी को मिलाइए अम्मी के साथ। अब्बू, अब्बू को इस तरह से इधर यहाँ तक यहाँ मिलाएंगे। फिर क्या है? अली, अली कैसे हैं? अली यहाँ से यूँ जाएंगे, यूँ, और फिर ये इधर मैच होगा। फिर क्या है? लाल, लाल क्या है? ये देखें, लाल रंग होता है तो हम इसको यहाँ पे इसके साथ मिला देंगे। अब आप लोग अपनी उर्दू की नोटबुक ओपन करें जी। अब आप लोगों ने उर्दू की नोटबुक ओपन कर ली। अब हम लोग एक दफ़ा दोबारा लिखेंगे कि किस तरह से अलिफ बे हम लोगों ने पीछे सीखी है, ठीक है। अलिफ यहाँ लिखेंगे प्यारा सा, इसको लाइन के ऊपर ही स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इसको आप लोगों ने डर्टी नहीं लिखना। अब बे किस तरह लिखेंगे? बे हम लिखेंगे बिल्कुल सीधी लाइन, यहाँ से इसको गोल कर देंगे और लाइन के ऊपर चलेंगे, ये बे। फिर क्या आएगा? पे। नर्सरी क्लास, अब आप लोग बच्चे नहीं हैं सो काइंडली ये इस तरह वाला बे नहीं डालना, ये क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने काइंडली ध्यान रखना है कि आप लोगों का बे गोल होना चाहिए, यहाँ से ये देखिए इस तरह से गोलाई में हो, ठीक है। ते टे से। अब इसी तरह आप लोगों ने दोबारा ये मश्क दोबारा इसी तरह लिखना है, अलिफ बे पे ते टे से। फिर तस्वीर का पहला हर्फ लिखना है। तेता ताला होता है, टेटा टोपी होती है, सेसा समर होता है, अलिफ अ अनार होता है, बेबा बत्तख होती है, और पेपा पत्ता होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज भी सेम इसी तरह से होगा। अब आप लोगों ने इस सफ़े को करने के बाद आप लोग नेक्स्ट पेज ओपन करें, पेज नंबर 19। तस्वीर के पहले हर्फ पर दायरा लगाएं। अब आप लोगों को पता होगा कि क्या बना हुआ है, ठीक है। ये बना हुआ है अनार, अनार में अ नार आ रहा है तो अ किसकी साउंड है? अलिफ की, तो आप लोग अलिफ को सर्कल कर देंगे, ठीक है। ये क्या है? प्याली, प प्याली होता है ना, तो हम प को सर्कल कर देंगे। इसी तरह आप लोग ने ये वाला पेज करना है, और फिर इसके बाद आप लोग ने नुक्ते लिखने हैं, ठीक है। नुक्ते किस तरह से? अलिफ, अलिफ मदा, बे के कितने नुक्ते हैं, पे के कितने नुक्ते हैं, ते के कितने, टे के और से के, जो भी आता है आप लोग वो लिखेंगे। और इस सफ़े को फिल करने के बाद आप लोगों ने अपना ये नीट नीट काम करके हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड कर देना है, जो कि मैं आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। प्यारे बच्चों, अब आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और ये काम आप लोगों ने लाजमी और नीट करना है, अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।